गाजा से इराक तक डबल युद्ध शुरू। गाजा युद्ध धीरे धीरे मिडल ईस्ट से लेकर पश्चिम एशिया तक फैल चुका है। अब जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। पिछले 80 दिनों में इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में डबल युद्ध शुरू हो चुका है। हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ गाजा में इजरायली सेना हमास के लड़ाकों से आर पार की जंग कर रही है, जबकि दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर की तरफ से हिजबुल्ला के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। यहां तक कि हूथी लड़ाकों ने इजरायल के साथ साथ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। यहां तक कि ईरान के कताई हिजबुल्ला लड़ाकों ने इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट से हमले किए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी सेना के होश उड़ गए हैं। हम आपको डबल युद्ध में ट्रिपल अटैक की वो हकीकत दिखा रहे हैं जो आने वाले दिनों में इजराइल और अमेरिका के लिए नासूर बनने जा रही है। हमास, हिजबुल्ला और हूथी इजराइल अमेरिका पर भारी। 80 दिन बाद भी गाजा युद्ध में हमास की ताकत उतनी कमजोर नहीं पड़ी है जैसा इजराइल दावा कर रहा है। भले ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सेना के टॉप कमांडर दावा करें कि इजराइल की आईडीएफ ने पूरे उत्तरी गाजा पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हकीकत में अभी भी हजारों हमास लड़ाके इजरायली सेना पर घात लगाकर भीषण हमले कर रहे हैं। हमास के टॉप कमांडर और दक्षिणी गाजा में खान यूनुस के कसाई के नाम से मशहूर याया सेनवार ने दावा किया है कि अब तक की जंग में हमास के लड़ाकों ने 1,500 इजरायली सैनिकों को मार डाला है। हमास के कसाई का दावा, मार दिए 1,500 इजरायली सैनिक। गाजा में भले ही इजरायली सेना ने बढ़त बना रखी हो, लेकिन इजरायल के पीएम नेतन्याहू को भी मानना पड़ा है कि गाजा युद्ध में इजरायली सैनिक काफी संख्या में मारे गए हैं, जो हालात को और बदतर बना रहा है। इजरायल खुद मान चुका है कि उसके 475 से ज्यादा सैनिक अब तक जंग में मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा वाकई इजरायल के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, लेकिन इस खतरे से बड़ा खतरा अब मिडिल ईस्ट से लेकर पश्चिम एशिया तक फैल चुका है, क्योंकि हूथी और ईरान समर्थित कताई हिजबुल्ला लड़ाकों ने इजरायल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर एक साथ हमले शुरू कर दिए हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि हूथी और ईरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिका पर कहां हमला किया है। अमेरिका ने यह तो नहीं बताया है कि ईरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिकी सेना पर कब हमला किया था, लेकिन यह जरूर बताया है कि उत्तरी इराक में मौजूद अमेरिका के एरबिल एयर बेस पर ड्रोन से हमला किया गया था। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक इराक में अमेरिकी सैनिकों पर यह हमला ईरान समर्थित कताई हिजबुल्ला के लड़ाकों ने किया था। इराक में ईरान समर्थित कताई हिजबुल्ला के लड़ाकों के इस हमले में वैसे तो कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए, लेकिन 3 सैनिक बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। कताई हिजबुल्ला ने अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से हमले कैसे किए, इसकी जानकारी नहीं दी गई और ना ही घायल अमेरिकी सैनिकों के नाम बताए गए हैं। इराक में कताई हिजबुल्ला के हमलों से अमेरिका बौखला गया था। हमास, हिजबुल्ला और हूथी इजराइल अमेरिका पर भारी। मिडल ईस्ट से लेकर पश्चिम एशिया तक इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हो रहे हमले साबित कर रहे हैं कि ईरान रूस की शह पर अब जंग में खुलकर कूदने लगा है। हूथी चुन चुन कर समंदर में इजराइल और अमेरिकी जहाजों और टैंकरों पर हमले कर रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका ने ईरान के कताई हिजबुल्ला के लड़ाकों पर ऐसा भीषण हमला किया है जिसकी वजह से पश्चिम एशिया में जंग तेज होने के दावे किए जाने लगे हैं। हम आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान के कताई हिजबुल्ला लड़ाकों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की है। जरा देखिए कैसे। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान समर्थित कताई हिजबुल्ला पर भीषण हवाई हमले किए हैं। कताई हिजबुल्ला पर अमेरिका ने ये हमले इराक और सीरिया में किए हैं। सोमवार यानी 25 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने कताई हिजबुल्ला पर हमला किया था। लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से ईरान समर्थित कताई हिजबुल्ला लड़ाकों के 3 ठिकानों को अमेरिकी हमले में तबाह करने का दावा किया गया है। खबर के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों के घायल होने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडन ने ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ये हमले किए गए। अमेरिकी सैन्य बलों ने इराक में कताई हिजबुल्ला और कई समूहों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाले 3 ठिकानों पर हमले किए। ये सटीक हमले इराक और सीरिया में अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ ईरान प्रायोजित मिलिशिया हमलों का जवाब है। कताई हिजबुल्ला सरीखे समूहों ने अरबिल एयरबेस पर हमला किया था।
इसराइल और अमेरिका इस वक्त मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में डबल युद्ध से जूझ रहे हैं। पीएम नेतन्याहू को लग रहा था कि हमास युद्ध विराम इसराइल की शर्तों पर जरूर करेगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि हमास के टॉप कमांडर्स ने साफ दावा कर दिया है कि हमास सीज फायर नहीं करेगा और ना ही कोई समझौता, वो आखिरी दम तक जंग करेगा। गाजा पट्टी में इस वक्त उत्तरी गाजा से ज्यादा भीषण जंग दक्षिणी गाजा में चल रही है। हालात ये हो गए हैं कि इसराइल और हमास की जंग थमने की एक और उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। 24 दिसंबर को इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकी संगठन ने इजिप्ट या कहें कि मिस्र के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया था कि अगर ये दोनों संगठन गाजा की हुकूमत किसी तीसरी ताकत को सौंप देते हैं तो इसराइल परमानेंट सीज फायर कर देगा। लेकिन हमास के टॉप कमांडर्स ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हम आपको हमास नेता याया सिनवार का वो दावा दिखाने जा रहे हैं जिसमें इजरायली सेना को भारी नुकसान का दावा किया गया है। हमास के कसाई का दावा, मार दिए 1500 इजरायली सैनिक। इसराइल की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के टॉप नेता और कमांडर याया सिनवार ने दावा किया कि हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने 5000 से अधिक इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया और उनमें से करीब 1500 इजरायली सैनिकों को मार डाला है। हालांकि ऐसा कोई आंकड़ा इसराइल की ओर से जारी नहीं किया गया है। हमास नेता सिनवार ने इजरायली सैन्य उपकरणों को नष्ट करने की संख्या के बारे में भी बढ़ा चढ़ा कर दावा करते हुए कहा कि हमास ने 750 इजरायली सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया है। सिनवार ने इसराइल का जिक्र करते हुए कहा कि उसके कब्जे को मान लेने की शर्तों पर कभी समझौता नहीं होगा और ना ही हमास कभी सरेंडर करेगा। दूसरी तरफ इसराइल के प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू ने गाजा का दौरा किया है और साफ शब्दों में कहा है कि हम फिर साफ कर देना चाहते हैं कि इजरायली सेना इस जंग को तब तक बंद नहीं करेगी जब तक वो गाजा में मौजूद हर आतंकी संगठन का कब्जा खत्म नहीं कर देती। אני מעריך את עמדתה האיתנה של ארצות הברית במועצת הביטחון, עמדה שתומכת במאמץ המלחמתי שלנו. אמרתי אתמול לנשיא ביידן שאנחנו נלחם עד לניצחון המוחלט. ייקח כמה זמן שזה ייקח. हालांकि इसराइल के भीषण हमलों से गाजा לגבג תבה הו צוקה है. זרה דכי, פלסטיני किस हालत में पहुंच चुके हैं? इसराइल के ऑपरेशन स्वार्ड ऑफ आयरन के तहत इसराइल ने सबसे ज्यादा भीषण हमले उत्तरी गाजा में किए हैं। साल 2023 में गाजा पट्टी में हुए इसराइली हमलों में अब तक 1,00,000 से ज्यादा इमारतें गाजा में तबाह हो चुकी हैं। उत्तरी गाजा के लगभग 11,00,000 की आबादी में से 85% फिलिस्तीनी हमास समर्थक भाग चुके हैं। ज्यादातर फिलिस्तीनी उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ भागे हैं। इसराइल की आईटीएफ का दावा है कि उसने 7 अक्टूबर से अब तक 22,000 से अधिक टारगेट्स पर हमला किया है और उन्हें तबाह कर दिया है। 80 दिनों से ज्यादा की जंग में इसराइल ने हमास के हर उस ठिकाने को तबाह किया है जहां से हमास या तो हमला कर रहा था या फिर उसके लड़ाके छिपे हुए थे। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने दक्षिणी गाजा में भयानक बमबारी शुरू कर दी है। दक्षिणी गाजा में इसराइली वायुसेना 907 किलो के सैकड़ों बम गिरा रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भी किसी देश के रिहायशी इलाके में इतने बम नहीं गिराए हैं। कुल मिलाकर हमास, हिजबुल्ला और हूथी तीनों संगठनों के लड़ाके इजरायल और अमेरिका से लंबे युद्ध की तैयारी में जुट चुके हैं। चीन, ईरान, रूस की शह पर अब मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में ऐसा डबल युद्ध शुरू हो चुका है जो नए साल में तीसरे विश्व युद्ध का बड़ा कारण बन सकता है।